इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 26। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 26। फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरहियों में से तो मशेलेम्याह जो कोरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था, और मशेलेम्याह के पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा जकरियाह, दूसरा यदीएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यतीएल, पांचवा एलाम, छठवा यहोहानान और सातवा एलहोए नय। फिर ओबेदे दोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआज, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवा अम्मीएल, सातवा इस्साकार और आठवा पुलतय, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र हुए जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमायाह के पुत्र ये थे अर्थात ओती, रपायल, ओबेद, एलजाबाद और उसके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदे दोम की संतान में से थे। वे और उसके पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदे दोमी 62 थे और मशेलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिल्कियाह, तीसरा तबल्याह और चौथा जकरियाह था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेम्याह के नाम पर निकली, तब उन्होंने उसके पुत्र जकरियाह के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली, दक्षिण की ओर के लिए ओबोदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे शल्लेकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2-2 ठहरे। पश्चिम ओर के परबार नाम स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कितने तो कोरह के थे और कितने मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से अहियाह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे अर्थात गेर्शेनियों की संतान जो लादान के कुल के थे अर्थात लादान और गेर्शेनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे अर्थात यहोएली। यहोएली के पुत्र ये थे अर्थात जेताम और उसका भाई योएल जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे, अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जियलों में से, और शबुएल जो मूसा के पुत्र गेरशेम के वंश का था वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। और उसके भाइयों का वृत्तांत यह है, एलियाजर के कुल में उसका पुत्र रहब्याह, रहब्याह का पुत्र यशायाह, यशाह का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया, वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबनेर और सरुयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था
और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। इसहारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र इसराइल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए, और हेब्रोनियों में से हशव्याह और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यर्दन की पश्चिम और रहने वाले इसराइलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरियाह मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए, और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले, और उसके भाई जो वीर थे पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषय में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया।